अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन अल-यूसुफ अकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो एक्सरसाइज नंबर 4.10 कर रहे हैं, तो उसके जो है कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम 7 और 8 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों सेम है, तो हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये जो है एल क्यूब और उसके बाद एम क्यूब और एन क्यूब माइनस 3 11, ठीक है, ये बेसिकली हमें गिवन है और ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फार्मूला है, इसी फार्मूले से सॉल्व होगा जो हमें पिछले एक्सरसाइज मतलब ये इसी एक्सरसाइज के अंदर पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था इस फार्मूले को। अब बस थोड़ा सा चेंज है, देखें क्या करते हैं। मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया, फार्मूला भी उतार लिया, अब प्रॉब्लम्स क्या है हमें। यहाँ पर देखें, हमें ये भी गिवन है, ये देखें ये गिवन है, ठीक है, ये देखें ये ए ये बी ये सी, तो ए बी सी तो ये गिवन है, और ये देखें ये भी गिवन है, एल एम एम एन और एन एल ये गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के तहत बेसिकली ये फाइंड करना था, मगर ये पहले फाइंड करेंगे ताकि हमारा ये पूरा फार्मूला सॉल्व हो सके। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पिछली 4.8 के अंदर हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूले को उतारते हैं ब्लैक पॉइंटर से। तो हमारा जो फार्मूला है वो है इसका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा था 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारे पास एक फार्मूला था। तो बेसिकली इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। व्यूअर्स ये देखें, हमने फार्मूला उतारा है, अब फार्मूले के तहत हम पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, ये एल एम एन, तो ये एल है, ये एम है और ये n है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे व्यूअर्स, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही उतारेंगे, सॉरी l m और n ये ऐसे ही उतारेंगे। और यहाँ पे जो है बेसिकली 2 हमारा है, ठीक है, 2 सबके साथ है, तो ये 2 एल एम और उसके बाद 2 एम एन, फिर उसके बाद 2 और ये सी हमारे पास क्या है एन, और ए हमारे पास क्या है एल एन एल, ठीक है। अब व्यूअर्स क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर ये बेसिकली हमारे पास कॉमन है, इसके ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर ये देखें ये फाइंड करना है, तो ये वैसे ही रहेगा और ये 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन है, तो 2 हमने क्या किया बाहर ले लिया, और एल एम एम एन और एन एल इनको अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है उसको यूज़ करते हुए हम काम करेंगे, जैसे कि देखें हमें गिवन क्या है, यहाँ पे हमें गिवन है ये देखें एल एम एन 50 गिवन है 15, तो यहाँ पे हमने 15 रख दिया, ठीक है। और ये हमें फाइंड करना है, तो ये ऐसे ही रहने दें, और ये भी, और उसके बाद अब ये 2 ऐसे ही रहने दें, ये एल एम एन एल एम एम एन और एन एल ये गिवन है हमें 74, तो ये 74 इसके अंदर इस तरह उतार लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट उसमें स्टेप में, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसको पहले स्क्वायर लें इसका, तो इसका स्क्वायर लिया तो हमने आ गया 225, ठीक है, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 148, ठीक है। ये फार्मूला पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, और अगर नहीं आता तो 4.8 देख लीजिएगा, उसमें सॉल्व कर लीजिएगा, डिटेल में सॉल्व किया हुआ। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे,
ठीक है व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, ये हमें फाइंड करना था तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 77। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमारे पास आ गया 77। अब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, हमारे पास बेसिकली ये चाहिए था हमें, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम और हमारा ये आ जाएगा। फिर दोबारा चाहें तो फार्मूला उतार लें, बल्कि उतार लें तो बेहतर है। देखें व्यूअर्स, मैंने फार्मूला उतार लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमें ये चाहिए था, ये हमने निकाल लिया था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखें एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एन क्यूब माइनस 3, और ये क्या है एल एम एन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें व्यूअर्स, यहाँ पे क्या है एल एम और एन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है एल स्क्वायर प्लस बी का क्या है एम स्क्वायर प्लस एन का क्या है और सी का क्या है एन स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या है एल एम, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या आएगा बी का क्या है हमारे पास एम एन, और माइनस यहाँ पे क्या है एन एल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब देखें यहाँ पर ये इजिकल टू लगाना भूल गया था, ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, हमें बेसिकली ये फाइंड करना था। तो हमने इजिकल टू, ये देखें यहाँ ये इस साइड पे है और ये इस साइड पे फॉर्मूले के, ठीक है, और यहाँ पे भी लगाना था, ठीक है। तो अब ये देखें व्यूअर्स, करना ये है कि हमें ये तो गिवन है एल एम एन जो है, ये हमारे पास क्या है 15 गिवन है, ठीक है। तो ये जो है वैसे ही उतारना है सेम टू सेम, ठीक है। और ये भी हमने फाइंड कर लिया था, तो ये हमने क्या फाइंड किया था व्यूअर्स 77, ठीक है। और इनका क्या करेंगे, ये जो माइनस है सबका हम कॉमन ले लेंगे और इसको एक बार फिर ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस आ जाता है हमारा, और ये क्यों उतारा, ताकि इसके इक्वल हो जाइए। तो कॉमन लेने से मुराद ये होता है कि इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और कॉमन भी ले लें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 15 को वैसे ही लिखें और 77, और यहाँ पे हमारे पास क्या था व्यूअर्स, यहाँ बेसिकली 74 था, तो 74 में से जब ये माइनस हुआ, 77 में से 74 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 3, और यहाँ पे बचा हमारे पास 15, ठीक है। तो जब 15 को 3 से माइनस की मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 45। तो ये हमारा आंसर है व्यूअर्स, ठीक है व्यूअर्स। तो इसी तरीके से मज़ीद जो दो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से होंगे, तो मैं तो यही चाहूँगा आप सॉल्व कर लें उसको, ठीक है व्यूअर्स। अस्सलामुअलैकुम, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ऑनलाइन देखिएगा।